मथुरा के गोवर्धन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आर्मी से रिटायरमेंट पूरन मल का शव अजय लावानिया के घर पड़ा मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल ये पूरा मामला 10वीसा मोहल्ले का है, जहां मृतक के पोते ने बताया कि उनके पिता की तबीयत खराब रहती थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता को अटैक की बीमारी थी। मनीष ने बताया कि उनके दादा एक दिन पहले घर से निकले थे, जिसके बाद अगले ही दिन उनकी मौत की खबर मिली। ये सर एक पूरन मल है, मदनलाल इनके पिताजी का नाम था, रिटायरमेंट है, हवलदार रिटायरमेंट है वहाँ के, और गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास 6 खंबा क्रॉस मंदिर के पास इनका मकान है। तो ये कल रात को मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं परकम्मा लगा के आया हूँ, 81 वर्ष के ये, तो ये बोले कि मेरी बस निकल गई है भरतपुर की और मैं यहाँ आपके यहाँ रुकूंगा पंडित जी। मैंने ठीक है सर, रुकिए आप, स्वागत है आपका। तो हमने इनसे खाने वगैरह की पूछी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मेरा बर्थ है, हम कुछ नहीं खाएंगे, ना चाय पियेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब सोएंगे। तो रात को 9 बजे करीब इन्होंने अपने कमरे में जाके भीतर से किवाड़ लगा लिए और हम ये सो गए, हम अपने कमरों में सो गए। सुबह हमने इनको उठाया है कि आप चाय वाय पीजिए, उठिए, बाबा साहब करके हमने किवाड़ खोल बजाई है, लेकिन उन्होंने जब से कोई आवाज नहीं दी है। मैंने तुरंत राधा बल्लभ जी को फोन किया, पाटल गांव के प्रधान को, और इनके नातियों को फोन किया। बाबू जी मेरे, ये क्या इनकी तबीयत पहले शुरू से खराब थी? हाँ खराब थी, इनके साइड में अटैक वटैक की परेशानी थी इनके, पहले भी इनका इलाज भी चल रहा है। और ये क्या परगम्मा देने हुए आए हुए थे, और उसके बाद में क्या इनका फोन आया, मकान मालिक जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसके बाद हमें इन्फॉर्म हुआ, तो मैं बाहर था, तो फिर मैं आया भरतपुर, फिर मैं गाड़ी लेके इनके पास आया। बाबू जी हैं, उनके परेशानी थी, अटैक की परेशानी थी, बात ये थी उनके अटैक का दर्द होता रहता था बीच बीच में। सूचना मकान मालिक जी हैं, इन्होंने सूचना दी।